हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसार एकेडमी। दिस इज हिमांशु। लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अभी अभी 12th पास आउट किए हैं और अपना फ्यूचर जो स्कोप जो है वो फार्मेसी सेक्टर में देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपको सारे के सारे जो फार्मेसी में जितने भी कोर्सेज चलते हैं उन सभी कोर्सेज के बारे में मैं ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोर्स ड्यूरेशन कितनी है, फी स्ट्रक्चर अप्रॉक्सीमेटली कितना रहेगा सर, फ्यूचर स्कोप ब्रीफली में बताऊंगा आपको कैसा रहेगा, और सिलेक्शन ऑफ कॉलेज आपको कैसे करनी है, कौन सी कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगी। देखिए बेसिकली होता क्या है, फार्मेसी जो कोर्सेज हैं फार्मेसी में अपने, देखिए बेसिकली जो है तीन टाइप के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज चलते हैं, जिसमें पहला आपका आता है बी फार्मा कोर्स। बी फार्मा बोले तो बैचलर ऑफ फार्मेसी, जैसा कि आप बीएससी के बारे में सुनते हैं बैचलर ऑफ साइंस, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, वैसे कि वैसे यहाँ पे क्या है बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी, मतलब फार्मेसी में आपके ग्रेजुएशन। इसका जो कोर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या है, देखिए आपके 12th में साइंस, बायो या मैथ्स होनी चाहिए, बायो या मैथ्स होगी देन यू आर एलिजिबल फॉर बी फार्मा कोर्स। यस, यू आर एलिजिबल फॉर बी फार्मा कोर्स। पहले मैं बी फार्मा की बात कर रहा हूँ, फिर मैं फार्म डी पे आता हूँ, फिर डी फार्मा पे आता हूँ, ठीक है। तो साइंस बायो हो जाएगी आपके, मैथमेटिक्स होगी तो भी चलेगा या बायो होगी तो भी चलेगा, बस अर्थ ये है कि 12th में आपके जो है साइंस होनी बहुत ज़रूरी है, तो इसकी एलिजिबिलिटी आपको पता चल गई। फिर मैं बात करूंगा आपको कोर्स ड्यूरेशन के बारे में। कोर्स ड्यूरेशन का मतलब क्या है, ये जो कोर्स है वो सर 4 ईयर्स का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है जिसमें कि आपके 8 सेमेस्टर रहेंगे, 8 सेमेस्टर 4 साल का कोर्स कंप्लीट बी फार्मा। सेमेस्टर वाइज आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इस कोर्सेज में रहेंगे। फी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, देखिए अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूं, फी स्ट्रक्चर इज टोटली डिपेंड ऑन योर कॉलेज। आप किस कॉलेज से बी फार्मा कर रहे हैं उस हिसाब से डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट डिफरेंट फी स्ट्रक्चर चलते हैं, बट मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बता देता हूं कि इसके बीच में आपको यहां पे फीस देखने को मिल सकती है, वो आपकी हो सकती है 80,000 से लेकर 1 लाख के बीच पर ईयर, ठीक है, पर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, 80,000 से 1 लाख के बीच में इसकी फीस जो है आपको देखने को मिल सकती है। फ्यूचर स्कोप, जी हाँ, देखिए फ्यूचर स्कोप तो मैं अभी आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, बट इसका बहुत ही अच्छे से फ्यूचर स्कोप जो है वो अभी 5 मिनट में मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बट उसका फ्यूचर स्कोप तो बहुत ही ज़्यादा है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है आपके इस वीडियो के लेक्चर के एंड में, बी फार्मा करियर इन बी फार्मा करके वीडियो लेक्चर, वो आइकन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को लेक्चर को देख सकते हैं। बट ब्रीफली मैं बताना चाहूंगा, देखिए बी फार्मा का मतलब क्या है, आपको लाइसेंस प्रोवाइड हो जाएगा, सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग दोनों का ड्रग लाइसेंस, उसके बाद आप ग्रेजुएट हो जाओगे तो जो भी कंपटीशन एग्जाम है उनको भी आप कर सकते हैं, उसके बाद आप इंडस्ट्री में जॉब देख सकते हैं, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप एम फार्मा के लिए भी जा सकते हैं। तो ये सारे जो है इसके फ्यूचर स्कोप जो है अभी मैंने आपको बताया। सिलेक्शन ऑफ कॉलेज की मैं बात करूं, देखिए सिलेक्शन ऑफ कॉलेज में मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, किस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा कॉलेज मेरे लिए सेलेक्ट है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बताई थी, आपको पीसीआई की वेबसाइट पे जाके देखना है कि आप जिस कॉलेज से बी फार्मा करना जा रहे हैं वो कॉलेज जो है वो पीसीआई से अप्रूवल है या नहीं है, पहला। दूसरा, उस कॉलेज में प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं। तीसरा, उस कॉलेज की क्वालिटी एजुकेशन कैसी है, क्योंकि बी फार्म कैंडिडेट को ज़्यादातर जो है क्वालिटी एजुकेशन अगर अच्छी मिल जावे तो आगे उसका फ्यूचर जो है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आगे कंपटीशन एग्जाम में वो वैसा ही पास हो जाएगा। आगे आप जानते हैं ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह जो गवर्नमेंट जॉब रहती है वो भी इसके थ्रू आप एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कोर्स आता है फार्म डी कोर्स। जी हाँ, फार्म डी कोर्स, अभी ये कोर्स जो है वो 2010 में स्टार्ट हो गया था। इस कोर्स की अभी चर्चाओं में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अभी एक फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया ने क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट निकाली थी, जिसमें कि ऑल ओवर हॉस्पिटल, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहाँ पे एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट जो है वो वैकेंट रहेगी, जिसमें डॉक्टर और फार्मासिस्ट डिस्कस करते हैं, मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते हैं, वैसा कुछ सिनेरियो जो है आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है।
अभी जो वो पोस्ट आई जिसमें फार्म डी जो है कैंडिडेट एलिजिबल है, तो कहीं ना कहीं बच्चों का रुझान जो है वो फार्म डी की ओर भी जाने लग गया है। तो इस कोर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। एलिजिबिलिटी जो है इसमें यही है, साइंस ट्वेल्थ में आपके साइंस बायो जो है, साइंस बायो या मैथ जो है वो भी चल जाएगा। यहाँ पे देखिए साइंस बायो और मैथ्स होगी तो भी चल जाएगा। देन यू आर एलिजिबल फॉर फार्म डी कोर्सेस। कोर्स ड्यूरेशन की मैं बात करूँ तो ये भैया 6 साल का कोर्स है, 6 ईयर कंप्लीट कोर्स, जिसमें कि आपके 10 सेमेस्टर रहेंगे और 1 साल जो है आपका इंटेंसिव का रहेगा। ठीक है, तो 1 साल इंटेंसिव का हो गया, 10 सेमेस्टर रह गए, तो कोर्स ड्यूरेशन कितनी होगी, 6 साल। तो ये जो है वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है। ये कोर्स कैसा है, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का कोर्स है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है। इसमें आपको 6 साल लगेंगे, 5 साल जो है पढ़ाई के और 1 साल जो है इंटेंसिव के लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ फी स्ट्रक्चर की, तो फी स्ट्रक्चर इसका जो है आपके समझ के चलिए आप 5 से 6 लाख के बीच में इसका फी स्ट्रक्चर है। मैं कंप्लीट कोर्स की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स की बात कर रहा हूँ। 5 से 6 लाख तक आपको फार्म डी कोर्सेज देखने को मिल सकते हैं इसकी फीस। फ्यूचर स्कोप, जब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जो पोस्ट रही है उसमें फार्म डी कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है। अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट और भी बहुत सारे जो सेक्टर बी फार्म के लिए खुले हैं, लगभग वो सारे के सारे सेक्टर जो है फार्म डी सेक्टर के लिए, फार्म डी कोर्स के लिए खुले हैं। बट यहाँ पे बात ये आती है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जो स्पेसिफिक पोस्ट है उसके लिए स्पेशली फार्म डी कैंडिडेट एलिजिबल है। ये अभी हाल ही में वो नोटिफिकेशन जो आया था कि यहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट में फार्म डी कैंडिडेट एलिजिबल है। बहुत ही ज़्यादा देर लग गई उस इम्प्लीमेंटेशन होने में उसको, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, तो ये फार्म डी के लिए जो कोर्स फ्यूचर स्कोप है वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का हो सकता है। सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज की मैं बात करूँ यहाँ पे फार्म डी में, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, सबसे पहले आपको देखना है पीसीएस से अप्रूवल है या नहीं है, कॉलेज का नाम कैसा है, कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, क्वालिटी एजुकेशन है या नहीं है, और ये सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद अगर आप हो सके तो उनके एल्यूमिनाई से मिलिए जो पास आउट हो चुके हैं स्टूडेंट, उनसे आप मिलेंगे तो आपको काफ़ी कुछ कॉलेज के बारे में पता चल जाएगा, उस हिसाब से आपको कॉलेज सेलेक्ट करनी है। बट डॉक्यूमेंटेशन में मैंने आपको बता दिया, पीसीए की वेबसाइट में जाके आप चेक कर लीजिए वो कॉलेज कैसा है, अगर वो पीसीए में मेंशन है कॉलेज अच्छा है तो उस हिसाब से आप उस कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी फार्मा कोर्सेज के बारे में। जी हाँ, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये कोर्स जो है वो इन दोनों कोर्स के कंपैरिजन में नहीं है, ये अलग से मैं इसको आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, क्योंकि इट इज़ ए जस्ट डिप्लोमा कोर्स। डिप्लोमा मीन्स आफ्टर 12th आपको 2 साल का एक ऐसा डिप्लोमा फॉर योर स्किल डेवलपमेंट, ताकि आप सेल्स ऑफ मेडिसिन कर सके, या फिर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज जो है मेडिसिन का हो सके कि क्या यूज है, कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन कैसे पढ़ना है, वो सारी बातें जो आप इसमें सीख सकते हैं। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपको साइंस जो है वो होनी चाहिए 12th में बस। ठीक है, बायो या मैथ्स जो है वो कोई भी चल जाएगा। नेक्स्ट आपकी कोर्स ड्यूरेशन, 2 साल का ये कोर्स रहता है आपके। फिर आता है आपके फी स्ट्रक्चर की मैं अगर बात करूँ तो पर ईयर की आपकी 80,000 से लेकर आप मान लीजिए 90,000 तक जो है आपकी फीस हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, डिपेंड ऑन योर कॉलेज। ठीक है, तो इस हिसाब से अप्रोक्सीमेटली मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ ताकि इससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकती। नेक्स्ट फ्यूचर स्कोप की मैं बात करूँ तो बहुत सारे गवर्नमेंट जो वैकेंसीज है फार्मासिस्ट की, उनके लिए डी फार्मा कोर्सेज जो है वो एलिजिबल है। पूरा एक मैंने वीडियो बना चुका हूँ मैं डी फार्मा स्कोप के रिलेटेड, उस वीडियो को आपको इस वीडियो के एंड में क्लिक करेंगे आप तो उसको चेक कर सकते हैं। तो डी फार्मा में स्कोप जो है वो गवर्नमेंट का भी है, उसके बाद में आपको पता ही है सेल्स ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिकल स्टोर जिसको खोलना है उसका वो ही एम है कि मुझे तो सर सेल्स ऑफ मेडिसिन करनी है, मेडिकल स्टोर खोलना है, तो उनके लिए डी फार्मा ऑप्शन बेस्ट है। नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ कॉलेज, सेम प्रोसेस आपको पीसीआई की वेबसाइट पर चेक करना है, कॉलेज का नाम अच्छे से आ रहा है, देन दिस कॉलेज अप्रूवल बाय पीसीआई। इसका मतलब यह है कि आप यहां से डिप्लोमा कर लोगे तो आपको एक लाइसेंस तो जरूर प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन कैसा है वो आप उसके एलुमनाई से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे आता है आपका एम फार्मा कोर्सेज, दिस इज द पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, ये कोर्स कैसा है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। बी फार्मा करने के बाद आप स्पेशलाइजेशन में एम फार्मा करते हैं, जैसे कि इकोलॉजी है, सुटिक्स है, बहुत सारी ब्रांचेज में आप एम फार्मा करते हैं। तो ये जो कोर्स है वो 2 साल का है, तो 4 साल और 2 साल कितने हो गए, 6 साल।
तो 6 साल में कंप्लीट आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं फार्मेसी में, अगर बी फार्म करके एम फार्म में जाते हैं। यही ट्रेंड चलता आ रहा था, जब से कोर्स फार्म डी आ गया है तब क्या है स्टूडेंट के पास कंफ्यूजन हो गई, सर 6 साल का ये भी है और 4 और 2 ये जो भी 6 साल का है, तो इन दोनों में से कौन सा जो बेस्ट रहेगा, उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। चलिए, तो ये सारा का सारा ब्रीफली इंट्रोडक्शन था कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन से कोर्सेज जो हैं फार्मेसी सेक्टर में अवेलेबल हैं और कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर हो सकता है। चलिए, तो अभी तक हमने जाना जितने जितने कोर्सेज जो है फार्मेसी सेक्टर में चल रहे हैं उन सब के बारे में हमने ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया। जो जो स्टूडेंट 12th पास आउट किए हैं और फार्मेसी करियर के बारे में सोच रहे हैं करने के लिए फ्यूचर में, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।